समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्ज्वल रमण सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इलाहाबाद संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी 40 साल पहले जीती थी। अमिताभ बच्चन के बाद कोई भी यहां से सांसद नहीं बन पाया है, तो एक बड़ी चुनौती होगी उज्ज्वल जी के सामने। उज्ज्वल जी, 40 साल की एक बड़ी चुनौती है, कैसे कबूल कर रहे हैं? 84 के बाद 2024 में कांग्रेस फिर जीतने जा रही है, कैसे, क्या फार्मूला है? देखिए, जो प्रयागराज की देवतुल जनता है, जो उनमें आक्रोश है, जो 10 साल के इनके सांसद की नाकामयाबियां हैं, इसका नतीजा रहेगा। और जिस तरीके से कुशासन रहा, पूरे देश में लोग परेशान हैं, हताश हैं, उसका नतीजा है जो महंगाई है, बेरोजगारी है। जिस तरीके से इलाहाबाद में, प्रयागराज में स्वास्थ्य का टोटा है, अगर आप बीमार हो जाएं तो सीधे दिल्ली और लखनऊ लेकर आनन फानन में अपने मरीज को लेकर जाना पड़ता है। और जिस तरीके से नैनी का जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, बंदी के कगार पर है, तो ये आक्रोश जनता का कहीं ना कहीं 25 मई को दिखलाई पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की झोली में समाजवादी पार्टी के सहयोग से ये सीट हम जीतने जाएंगे। मतलब आप जो चुनाव है उसको स्थानीय मुद्दों पर फोकस करके लड़ रहे हैं? निश्चित तौर से, जनता अगर सांसद चुनना चाहती है तो सांसद अपने बीच का चुनना चाहती है, कोई बाहरी व्यक्ति को नहीं चुनना चाहता, कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना चाहता जो सांसद बनने के बाद क्षेत्र में दिखलाई न पड़े। जनता हमको जांची है, परखी है, समझती है, जानती है, और हम खेत खलिहान से वाकिफ हैं, शहर से वाकिफ हैं। तो प्रयागराज की महान जनता जो फैसला करेगी, वो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक फैसला होगा और देश देखेगा। लेकिन मोदी जी नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। देखिए, ये तो आप लोग भी समझते हैं, जनता भी समझती है कि ये चुनावी जुमला है। ये तो 2014 के चुनाव में भी 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे ये कहा गया, और उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये तो चुनावी जुमला था। तो ये, मैं इसको गंभीरता से नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये चुनावी जुमला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो उनका निराश कार्यकर्ता है, जो उनका हताश कार्यकर्ता है, उसमें जोश पैदा करने के लिए 400 पार की बात की जा रही है। लेकिन इस बार ये लड़ाई जनता लड़ रही है, ये लड़ाई इंडिया गठबंधन नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, प्रयागराज की जनता जो है लड़ेगी और उसका फैसला करेगी। क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि आपकी उम्मीदवारी या दावेदारी, चर्चाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी अभी तक यहाँ पर टिकट का ऐलान नहीं कर सकी है? ये उनका विषय है, इस पर मैं कमेंट करना उचित नहीं मानता। पैराशूट नहीं पसंद। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी में चली गई थी, इसलिए कांग्रेस में आना पड़ा? देखिए, मैंने इसको पहले भी कहा है, आज इसको पुनः दोहराता हूँ, ये दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और इस फैसले को हमने स्वीकार किया है एक चैलेंज के रूप में। और निश्चित तौर से प्रयागराज की जनता, हम जो विश्वास कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने हम लोगों पर व्यक्त किया है, इस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, आखिरी बार कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर अमिताभ बच्चन चुनाव जीते थे 1984 में। 40 साल का लंबा अरसा हो गया और ज़्यादातर बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की जमानत भी नहीं बची है, तो इस बार ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि आप जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, जनता का आशीर्वाद, और 4 जून को जब गिनती होगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितना वोटों का परिवर्तन 84 से 2024 में आया है। और जमानत अब दूसरे को जो है तय करनी होगी, दूसरे पार्टियों को तय करना होगा कि वो कहां पर खड़े हैं। लेकिन मुझे विश्वास है यहां की जनता पर, जनता ने मुझे जांचा है, जनता ने मुझे परखा है, और इस जांच परख के बाद जो फैसला करेंगे, वो मुझे लगता है वो ऐतिहासिक फैसला होगा। एक अंतिम सवाल ये है कि प्रयागराज नेहरू गांधी परिवार का पैतृक शहर कहा जाता है, तो क्या उज्ज्वल रमण इस बार जीत दर्ज करके गांधी परिवार को तोहफा देंगे? निश्चित तौर पर ये झोली में, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस पार्टी की झोली में निश्चित तौर पर जाएगा। जो भी काम प्रयागराज में हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी की ही देन रही, मुलायम सिंह यादव की और अखिलेश यादव की देन रही। इसके अलावा जो भी पार्टियां रहीं उन्होंने कोई काम नहीं किया,
उन्होंने खाली चुनावी जुमले दिए, चुनावी भाषण दिए और उसके बाद प्रयागराज की जनता को उन्होंने जो है ठगा सा महसूस करा दिया। अगर आज प्रयागराज को अगर उठाकर देखें तो बनारस से तुलना करें, कानपुर से करें, लखनऊ से करें, आगरा से करें, मेरठ से करें, तो प्रयागराज पीछे छूट गया। उस दौड़ में प्रयागराज कहीं नहीं। प्रयागराज से सारे जो दफ्तर थे, सरकारी दफ्तर थे, उनको आपने लखनऊ जो है स्थानांतरित कर दिया। प्रयागराज की गरिमा को गिराने का काम अगर किसी ने किया है तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो वो उस गरिमा को हम वापस करने का काम जरूर करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि समाजवादी पार्टी में, विपक्षी पार्टियों में आपस में ही सिरफुटाउल है। कभी मुरादाबाद में टिकट बदला जाता है, फिर मेरठ में बदल दिया गया, तमाम जगहों पे इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस पर नेतृत्व पार्टियों का तय करता है कि किसको कहाँ से लड़ाना है। लेकिन पार्टियां क्या बोलती हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, जनता क्या बोलती है, जनता की आवाज़ को समझना चाहिए, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समझने में नाकाम है। अखिलेश जी का भी आशीर्वाद है आपको 100%। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उज्ज्वल रमण सिंह स्थानीय मुद्दों को फोकस करके चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता पिछले 10 सालों में यहाँ के जो सांसद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया है, जनता इसको ध्यान में रख रही है और वो इस बार उन्हीं को वोट करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।